अगर कंप्यूटर नहीं होता है तो हर एक आदमी के बस की बच्चों के लिए कंप्यूटर लेना या खुद के लिए कंप्यूटर खरीदना एक असंभव सा सवाल होता है। लेकिन एक एंड्रॉयड मोबाइल आज के ज़माने की एक ज़रूरत बन गई है। जो कि हम सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो क्यों ना हम उसी को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसे ही मैं आज कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। कीबोर्ड और माउस को भी आप कैसे यूज कर पाएंगे मोबाइल पर। आप मोबाइल से कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग भी सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन तरफ। लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले बटन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए मोबाइल स्क्रीन की तरफ और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल को कैसे हम बिल्कुल कंप्यूटर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल से भी अपना काम चला सकते हैं, मोबाइल से भी वो कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के साथ में पूरा बने रहना, पूरा वीडियो को देखना। अगर आपको नहीं देखना तो आप यहीं पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे वीडियो में क्या है। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नीचे एप्लीकेशन डाउनलोड का, एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो आपके प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। आपको एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से और आप उस पर जाकर एंड्रॉयड विंडो 7 या तो सर्च कर लीजिए या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरह के इंटरफेस पर आपको नीचे आप देख रहे हैं डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोडिंग जब स्टार्ट हो कंप्लीट होने के बाद में आप उसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और ये प्रोसीजर आपको पता होगा। आप इस तरह से जाकर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। फाइनली इंस्टॉल करने के बाद में इस तरह का आइकन आपको बन जाएगा, आप देख रहे हैं जैसे कि अमेजोन के बराबर में एंड्रॉयड विंडो 7 आइकन बना हुआ है, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो आप इस पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर जैसा इंटरफेस आपको शो हो रहा है। माई कंप्यूटर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, ये कर्सर, ये माउस भी दिख रहा है आपको, जहाँ माउस ले जाएंगे माउस इस तरह से माउस का कर्सर बना हुआ है। और मैं आपको अभी माउस जोड़ना भी बताऊँगा, फिजिकली आप माउस कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे माउस कीबोर्ड आप चला सकते हैं, मतलब मोबाइल को पूरा लैपटॉप कंप्यूटर बना सकते हैं मोबाइल कीबोर्ड जोड़कर। ये मैं अभी बताऊंगा, बने रहना वीडियो के साथ में। यहाँ पर मैं कंप्यूटर पर जैसे क्लिक करूँगा डबल क्लिक, तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ गया। अब आप देख रहे हैं पूरा जैसे कंप्यूटर में होता है इस तरह से ही यहाँ पर शो हो रहा है, लोकल सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह से शो हो रहा है। और बाहर में ये देखिए कंट्रोल में ये सब चीज़ें दिख रही हैं ऑप्शंस। अब जैसे कि लोकल डिस्क सी पर क्लिक करूँगा मैं, ये रहे जो सी में नहीं था कुछ, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं कैमरा, मतलब जो कैमरे के फोल्डर होता है DCIM वो बन गया, एंड्रॉयड का बन गया। इस तरह से आपका पूरा इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब बच्चे आसानी से इसको देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर में होता है, इस तरह से ही आपको इसमें यहाँ पर मिलेगा। बैक जाता हूँ, इसको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। ऐसी सेटिंग है, रिसाइकल बिन है, प्रोग्राम्स हैं, आप इनको करके देखिए बहुत ही आसानी से आप यूज करेंगे। फ़ोन करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए फ़ोन पर, जैसे आप फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन का खुलकर आ जाएगा। दोस्तों अब मैं इसकी कुछ सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ।
जैसे ये थ्री डॉट है बराबर में राइट हैंड की तरफ नीचे, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी सेटिंग हैं, आप इनको करके देख लीजिए। बाकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिली हुई है आप उसको भी रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेट साइज। अब जैसे कि नीचे मैं चलता हूँ सेटिंग, ये सेटिंग्स हैं जो कि हमारा इंटरफेस होता है, वाईफाई, जीपीआरएस, वॉल्यूम, स्क्रीन लाइट, तो ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। डेस्कटॉप सेटिंग आप ऊपर देखेंगे, तीन चार तीन आइकन बने हुए हैं, डेस्कटॉप, सिस्टम, हेल्प। डेस्कटॉप पर जाएंगे तो आपको सेटिंग दिख रही हैं। इनके बारे में भी मैं एक ट्यूटोरियल आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आज बताने लगूंगा तो इस तरह से आप करके देखिए। एक सेटिंग मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है और हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है या ऑटोमेटिक, जैसे स्क्रीन मूव हो इस तरह से ही हो जाए। तो मैंने ऑटोमेटिक किए हुए हूँ मैं, तो आप भी इसको यहाँ से कर लीजिए। ये आपको इस तरह से करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं बंद करने से पहले आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, स्टार्ट बटन में जैसे क्लिक करेंगे पूरा प्रोग्राम वगैरह सब सब कुछ आ गया, कंट्रोल पैनल, अबाउट, इंटरनेट, जैसा भी आप चाहते हैं वो सब यहाँ पर शो हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल को कैसे कंप्यूटर का रूप दे सकते हैं, कीबोर्ड माउस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम स्क्रीन पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप कीबोर्ड और माउस को भी कैसे जोड़ पाएंगे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माउस का कर्सर घूम रहा है। ये माउस का कर्सर के लिए आपको क्या करना होगा, दो तीन आइटम आपको लाने होंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये एक OTG केबल है, ये एक OTG केबल आपको लानी होगी, ये इस तरह से फीमेल है इधर, ये आपको इसमें लगाना होगा। ये मार्केट से 30-40 रुपए की मिल जाएगी आपको OTG केबल, इसको OTG केबल बोलते हैं। और एक माउस तो आपको लाना ही है, माउस कनेक्ट करना है तो माउस लाना है, और एक आपको कीबोर्ड लाना है, एक आपको कीबोर्ड लाना है, एक आइटम लाना है आपको जो इसको कनेक्ट करेगी। भाई ये तो कनेक्ट हो गया इसमें, तो अब कीबोर्ड किसमें कनेक्ट करेंगे? तो कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ में एक मल्टी हब लाना होगा, USB मल्टी हब, जिसमें काफ़ी पोर्ट होंगे, चार पांच पोर्ट होंगे, वो करीब 150 या 200 रुपये का आएगा, 150-200 रुपये के आसपास आएगा उसको। ये जैसे कि आपने इसमें लगा दिया, इसमें लगाने के बाद में मल्टी हब की केबल को इसमें लगाना है, मल्टी हब की जो केबल है USB की वो उसको इसमें लगाना है। और जो हब है उसमें चार पांच पॉइंट आपको मिलेंगे, इसमें तो एक पॉइंट है, उसमें चार पांच पॉइंट मिलेंगे आपको, तो उसमें कीबोर्ड लगा देना है और माउस का प्लग लगा देना है। अब मैं इसमें आपको ये माउस चलाकर दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें माउस चल रहा है ऐसे ही सेम टू सेम कीबोर्ड आपको चलेगा उसमें। जैसे कि माउस मैंने कनेक्ट कर दिया, लाइट इसमें आ गई है, ये देखिए माउस में लाइट आ गई, जैसे कि कंप्यूटर में लगाने पर, लैपटॉप में लगाने पर आती है। और ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये कर्सर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसको माउस को ये मैं और पास में ले जाता हूँ, ये रहा, जैसे जैसे मैं इसको माउस को घुमा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, इसी तरीके से उसमें भी कर्सर काम कर रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। अब मैं जैसे कि प्रोग्राम खोलना है, प्रोग्राम पर जाऊंगा, तो इस तरीके से प्रोग्राम आगे जितने प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर पैनल, कंट्रोल पैनल, सारा सब कुछ आ गया। प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये व्हील को मैं
प्रेस कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो देखिए प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स शो हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं मोबाइल को। अब जैसे कि मैं इसमें वर्ड खोलूँगा, ये एमएस वर्ड है, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। पेंसिल पर क्लिक कीजिए, कुछ एडिट करना है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर टाइपिंग भी सीख सकते हैं, टाइपिंग कीबोर्ड लगाकर टाइपिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है मैंने पोस्ट, तो यहाँ पर जैसे कर्सर आपको दिख रहा है, कंप्यूटर में कर्सर आता है इस तरीके से, कर्सर जहाँ भी आप माउस को क्लिक करेंगे वहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए। और टाइप करना आप कीबोर्ड से, जब कीबोर्ड कनेक्ट रहेगा तो आप आराम से टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा जिसके पास कंप्यूटर नहीं है और टाइप करना चाहता है, टाइपिंग करना चाहते हैं बच्चे, टाइपिंग सीखना चाहते हैं। तो टाइपिंग का मैं सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा कि टाइपिंग कैसे कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहे, और इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और यूजफुल होगी, यूजफुल हो तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।